रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक टॉरस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक टॉरस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलों में बेहतरी है और किन मामलों में इन्होंने एहतियात बरतनी है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप टॉरस तो नहीं, क्या आपका बुध सौर तो नहीं, अगर आपके नाम के पहले हरूफ वाव और बे से शुरू होते हैं तो आप भी टॉरस हैं और आपका बुध भी सौर है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर लाइक कॉमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। टॉरस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर यूरनस है और यूरनस इस वक्त सैटर्न के साथ इसने बैड नज़र बनाई हुई है। काफ़ी टॉरस वाले कहीं ना कहीं मामलात में ज़रूर परेशान होंगे, कहीं किसी ना किसी उलझन में वो ज़रूर उलझन का शिकार होंगे, लेकिन इस वीक के अंदर इनके कई मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इन मामलात में इसलिए बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है कि जो इनके जायचे के अंदर स्टार्स की पोजिशन है वो अब इनके लिए बेहतर एंगल की वजह से बेहतर साबित हो रही है। यहाँ पर मैं बात करूँगा जो इनका हाकिम सितारा है जायचे के 12वें हाउस में है और वो एक अच्छी नज़र बना रहा है सेकंड हाउस में मरीज के साथ, लेकिन इस वक्त टॉरस वालों का जो अपना जाती जो हाकिम है वो चाहे 12वें हाउस में है लेकिन लगन के अंदर यूरनस है। पहले घर के अंदर यूरनस का होने की वजह से इनके कई मामलात में ये खुद उलझन का शिकार हैं, इसलिए कि अगर ये मामलात को सही तरीके से सॉल्व करने की तरफ आए तो ये मामलात सॉल्व भी हो सकते हैं। आप लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए, आप मामलात को खुद करने की कोशिश करें, आप ज़्यादातर लोगों से रिलेशन सही तरीके से कायम रखें, कम्युनिकेशंस के मामलात को सही तरीके से देखें तो इंशाल्लाह ताला आपके बहुत से मामला सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। वैसे भी इस वीक के अंदर शर्फे शम्स है, इस वीक के अंदर वीनस ने अच्छी नज़र बनानी है, मार्स के साथ भी एक इसकी अच्छी नज़र बननी है और जुपिटर के साथ भी एक अच्छी नज़र बननी है। ख़ास तौर पर माली तौर पर तो इस वीक के अंदर फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन जो लोग खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, जो लोग बैंक वगैरह या इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं उनके लिए ये वीक खासा बेहतर साबित होने वाला, उनके मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके मामलात भी हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके मामलात में काफ़ी हद तक अब बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि इनके जायचे के अंदर जो एक अच्छी नज़र बन रही है वो मरकरी और सैटर्न की भी है। अगर आपके ऊपर काफ़ी अरसे से कोई जॉब की वजह से कोई डिप्रेशन है या कोई ऐसा मामला चल रहा था जिसकी वजह से आपकी जॉब खतरे में थी तो अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका वो मामला अल्लाह के फजल करम से आपके हक में होता हुआ नज़र आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपने लोगों के साथ रिलेशंस के मामलात को सही तरीके से कायम रखना है, सही तरीके से चलाना है। अगर ये मामला आपने सही तरीके से कायम रखा और आगे चलाया तो आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर बहुत से मामलात में खुद ब खुद बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर जो टॉरस वाले बीमार हैं या कोई सेहत के मामलात में परेशान थे तो अब उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सेहत के मामलात में भी इनकी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सेहत का मामला इनका इसलिए ज़्यादा ख़राब हो रहा है कि इनके ज़हनी डिप्रेशन की वजह से इनकी सेहत के ऊपर भी मसला बना हुआ है। अगर ये ज़हनी डिप्रेशन को कम कर लें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से ये खुद ब खुद देखेंगे इनके सेहत के मामलात भी बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। इनको ज़हनी डिप्रेशन इनके कामकाज की वजह से, इनके रोज़गार की वजह से और इनके इज्जत और वक़ार के मामलात की वजह से इनको ज़हनी डिप्रेशन है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर बताऊँगा कि इस वीक के अंदर जो शर्फ़ शम्स हो रहा है ये आपके लिए बेहतरी लेके आएगा। इस शर्फ़ शम्स होने की वजह से आपके मामलात में जो आगे रुकावट चल रही थी वो रुकावट अल्लाह के फजल करम से दूर होती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि सूरज जो है वो आपके फोर्थ हाउस का हाकिम सितारा है, यहाँ पर ये आपके घरेलू मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा और यहाँ पर जो आपकी रुकावट थी सूरज आपके चाहे 12वें हाउस में है लेकिन आपके लिए ये इस वक्त बेहतर साबित होगा। सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक के अंदर आपको जो है एहतियात करनी है वो ख़ास तौर पर आपको रिलेशंस के मामलात में एहतियात करनी है, अपने रिश्तेदारों के मामलात में, अपने दोस्त यारों के मामलात में और लिखत पढ़त के
मामलात में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है। हाँ, जो टॉरस वाले सालों साल से परेशान हैं, उनको ये चाहिए कि अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो टॉरस वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रबता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।